ले, तुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए थी ना, तो आज मैंने तुझे इस बंधन से आज़ाद कर दिया। क्योंकि मैं तुझे बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था काजल, तेरा बिहेवियर ना मेरे प्रति बहुत बदल गया था, और आज तो मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया, इसीलिए आज मैं तुझे इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। चलो अच्छा ही हुआ कि फाइनली तुम्हें हमारे बारे में पता ही चल गया, वरना मैं तो कितना टेंशन में थी कि तुम्हें मैं कैसे बताऊंगी हमारे बारे में। और वैसे भी तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या, गरीबी भुखमरी, अरे इसको देखो, इसके पास बेशुमार दौलत है जिससे मैं ना अपनी आगे की पूरी जिंदगी मौज मस्ती से आराम से गुजार सकती, तुम्हारे घर के जैसे नौकरानी बन के नहीं। अरे मैं तंग आ चुकी थी तुम्हारे साथ गरीबी में रह रहे के, वो तो अच्छा ही हुआ कि आज तुमने ये रिश्ता तोड़ के मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दिया। और आज ना मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ना तुम्हें खुद छोड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे ना तुझ जैसे भिखारी गरीब इंसान के साथ नहीं रहना। चल अच्छा ही हुआ काजल कि तेरी असलियत ना वक्त रहते मेरे सामने आ गई, मुझे नहीं पता था कि तेरे लिए ना रिश्तों से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं, और तेरी सोच ऐसी होगी। हाँ हाँ, तू ना ज्यादा अब लेक्चर मत दे, ये अब तेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि तूने ना इससे रिश्ता तोड़ चुका है, अब ना तेरा इस पे कोई हक नहीं है जो तू इतना इसे बोलेगा, समझ में आया? तू हमारे रास्ते से हट और निकल यहाँ से, चल हट। चलो काजल। साहब साहब कुछ खाने को दे। रोहित तुम? हाँ काजल मैं, पर तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है, और कहाँ है तुम्हारा वो अमीर बॉयफ्रेंड जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर गई थी? और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, तभी तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। खैर वो सब छोड़ो, तुम तो मुझे बड़ा बोलकर गई थी कि मैं अपनी आगे की जिंदगी मौज मस्ती में काटूंगी, यही तुम्हारी मौज मस्ती, भीख मांगना। बस रोहित बस करो, माना मुझसे गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी आएगा तुम बस बोलते चले जाओगे। और हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड का बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ है, आज जो मेरी हालत है ना इसका जिम्मेदार वही है। क्या मतलब? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें छोड़ के जाने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली थी, और हम हंसी खुशी हम रहते भी थे साथ में, फिर एक दिन। क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? बीवी हूँ तुम्हारी मैं, और मुझे ना पूरा हक है ये जानने का कि तुम्हें कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ज्यादा ना हक जताने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहे, वरना जहाँ से उठा के लाया था ना वहीं पे फेंके आऊंगा। और ना ज्यादा मुझसे जवान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मौज मस्ती छोड़ दूंगा, अभी भी ना मेरी 36 गर्लफ्रेंड है, समझी? मैं भी देखती हूँ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तू ना ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। अब तू ना यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, निकल जा मेरे घर से, मेरे घर से अब निकल जा, निकल। मेरा पैर। बस उस हादसे के बाद रोहित मैंने अपना एक पैर खो दिया, और उसने मुझे अपाहिज बोल के घर से बाहर निकाल दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए, और आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, लोगों से भीख मांग के अपना गुजारा चला रही हूँ। रोहित मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे घर पे भी गई थी, वहाँ भी पता चला तुमने वो घर बेच दिया, मेरी तो सारी उम्मीद ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज तुम्हें देख करके मेरी सारी उम्मीद वापस आई है, और अब मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा रोहित। हाँ काजल क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा, ये देखो यही है ना तुम्हारा प्यार। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पास आके रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, दो आंसू बहाओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा? बिल्कुल नहीं काजल, क्योंकि काजल तुमने मेरा उस वक्त साथ छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मेरे पास सिवाय तुम्हारे कुछ नहीं था, और आज किस्मत का खेल देखो कि मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और वैसे भी काजल ये जिंदगी तुमने खुद चुनी थी, तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो, और मुझे ना आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखा देना। रोहित रोहित मेरे साथ ऐसे मत करो, रोहित रोहित प्लीज मुझे इस हाल में छोड़ के मत जाओ रोहित।
आप अपने कर्म जैसे रखोगे आपको उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।